FY become yes, civil ma'am. Engineer. Okay, which was yes, the last ma'am. Point? Which was the last yes, point? One question was over. Am I right? Which was the last point? Will you tell me? Had I discussed this Indian society as multiculturalism? Had I discussed? Yes or no? Yes or no? Okay, I think. Yes, ma'am. Already I discussed? Okay. Yes. I'll show you the slide. Just tell me which was the last one. Characteristics of Indian culture. No, I remember that. I hadn't discussed this one. I only discussed about this one, that India has a rich and unique heritage. Okay. And the first point is characteristics of Indian culture. Western culture and then multi-ethnic. Am I right? Okay, I shall start from here onwards. So the characteristics of Indian culture. The first point is multi-ethnic. Indian population is the combination of various races. There are main six ethnic groups are as follow. Multi-ethnic. Okay. So the first point is Negro taste. Okay. So our Indian society is called multi-ethnic society. So there are six groups of six cultures. Okay, the first point is Negro taste. The Negro taste from Africa were the earliest group which came to India. They survived in their original living space in Andaman and Nicobar Island. The Jarawas, Onjans, and Sentinels, the Jarawas, Onjans, and Sentinels, the great enemies, are the some of the example of such tribes. Some hill tribes like Irus, Kodaras, Paniyans, and Kurumbas are found in the southern part of India. So यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हमारी जो इंडिया हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको मल्टी एथनिक कल्चर इस तरह से बोला जाता है क्योंकि मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक मीन्स हर एक तरह के हर एक जाति के लोग और हर एक धर्म के लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं तो उसमें वो सिक्स ग्रुप में बटा हुआ है. तो सबसे पहला है निग्रोटिस. तो निग्रोटिस कहाँ से होते हैं? तो निग्रोटिस वो सबसे पहले मीन्स हमारे यहाँ पे अफ्रीका में से आए थे. तो वो उनका जो वो रह रहे थे वो कहाँ था? तो वो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो वहाँ पे पहले ठहरे हुए थे. देन जारावास, अंजन, सेंटिनेस, लीज एंड द ग्रेट एंडमैन्स आर द सम एग्जांपल ऑफ सच ट्राइब्स. तो उनके जो ट्राइब्स में ये जो कुछ प्रकार की जातियाँ हमें दिखाई देती है तो वो इस प्रकार की होती है. तो आपको ये जो नाम है वो ठीक से याद करने पड़ेंगे, जारावास, ऑनजन, सेंटिनेस एंड ग्रेट एंडमान. ओके, दूसरे जो ट्राइब्स है उनमें तो उनके जो ट्राइब्स के नाम है तो इरूस, कोडारास, पनियार एंड कुरुम्बास आर फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो भारत के दक्षिण भाग में वो इस प्रकार के जो निग्रोटिस हैं, निग्रोटिस ट्राइब्स हैं वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? हेलो, do you understand this point properly? Hello, am I asking you, do you understand this point properly? Okay, we will see the second point. Austria, these are the next came to India. They laid the foundation of Indian civilization. Now these people हाँ बताइए कौन. दिस आर द नेक्स्ट केम टू इंडिया. दे लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. नाउ दिस पीपल आर फाउंड इन द सम पार्ट ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड द आइसलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया. तो जो ऑस्ट्रिक नाम के जो ये पीपल हैं
तो दूसरा ये जो ऑस्ट्रिक पीपल हमारे इंडिया में हमारे भारत में आए थे उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, इंडिया में क्या है भारतीय संस्कृति क्या है उन्होंने अपनाया। तो ज़्यादातर ये लोग हमें कहाँ दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे जगह हैं कि जो हमें इंडिया में दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ये म्यांमार और जो आइसलैंड है और साउथ ईस्ट एशिया का वहाँ पर हमें ये ऑस्ट्रिक पीपल दिखाई देते हैं। तीसरा है मंगोलॉइड्स। तो मंगोलॉइड्स आर ऑल्सो द वन काइंड ऑफ एथनिक ग्रुप्स। द मंगोलॉइड्स आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो मंगोलॉइड्स हमें क्या कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो मंगोलॉइड्स हमें नॉर्थ पार्ट में दिखाई देते हैं। तो उनका है आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा में ये हमें दिखाई देते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, आई शो यू दिस लाइक नेक्स्ट स्लाइड। यस मैम। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रबिडियंस। ये हम सब जानते हैं, ये जो एथनिक ग्रुप है, क्योंकि इससे थोड़ा सा बहुत हम फैमिलियर हैं। सो दीज आर द पीपल ऑफ साउथ इंडिया, दे केम बिफोर आर्यंस, दे आर बिलीव टू हैव द बिल्ड सिटी सिविलाइजेशन फाउंड इन मोइन।